हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमकर फ्री गार्डनिंग। इतने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं आजकल, ढेरों फूल, पूरा गार्डन भरा हुआ है। और जिस पे कभी उम्मीद नहीं थी उस पे भी फूल आ रहे हैं। और ये तो हमारे लिली तो बिल्कुल खिलखिला रही है, मुस्कुरा रही है, चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो इन फूलों, इन प्लांट्स के लिए एक तो लोकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो भी गर्मियों वाले फ्लावर्स हैं उनके लिए लोकेशन का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है, और जो सर्दियों वाले हैं उनके भी लोकेशन। अब ये देखिए, मेरे ये खूब खिल रहे हैं फूल, अभी भी वो भी थर्ड फ्लोर पर रखे हुए और खूब खिल रहे हैं। पर मैंने इन्हें ऐसी जगह रखा है थर्ड फ्लोर पर भी, जहाँ इनकी इन्हें ह्यूमिडिटी मिले, गर्म हवा नहीं मिले, तेज़ हवा ना लगे, ज़्यादा तेज़ सूरज ना लगे, तो ऐसी जगह मैंने रखा है। और कुछ ही फर्टिलाइज़र का भी असर है, वो फर्टिलाइज़र सप्ताह के सप्ताह इसमें डालती रहती हूँ। तो ये देखो कितने ये फूल ही फूल खिल रहे हैं, छोटे छोटे से पॉट में भी फूल खिल रहे हैं खूब ढेर सारे। और ये जरबेरा के सीड हो गए हैं ये, तो मैं इन्हें कलेक्ट करके रख लूँगी। वैसे इनकी लाइफ केवल 20 दिन की होती है, इससे पहले अगर लगा दो तो ठीक है, वरना फिर ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। बिल्कुल फ्रेश सीड हो तो ही होते हैं। और ये अडेनियम है, अडेनियम में भी फ्लावरिंग हो रही है। और गुलाब तो देखो, देसी क्या विदेशी क्या दोनों। और ये सदाबहार है, बिल्कुल मैजेंटा कलर है। और ये ढेरों फूल फूल खिल रहे हैं हर तरफ। डहलिया भी जा रहे हैं मगर फूल बहुत खिल रहे हैं अभी भी। और ये रेड रोज़ है, ये मेरा पर्पल रोज़ है, ये बिल्कुल बेबी प्लांट है छोटा सा, इसमें भी ढेरों फूल आ रहे हैं, इसी साल मैंने लगाया था। और ये सदाबहार पर्पल है, डार्क पर्पल वाला। और ये तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। और ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, ढेरों फूल ढेरों बर्ड्स आ रही हैं, देख रहे हैं आप कितनी। एक ही प्लांट में कम से कम 7-8 फूल खिले हुए। और ये डहेलिया भी खूब खिल रहे हैं, गेंदा भी अच्छे से चल रहे हैं, रोज़ भी अच्छे से चल रहे हैं, बहुत फूल खिल रहे हैं। कितने छोटे से बेबी प्लांट है, इसमें दो फूल खिले हैं। सदाबहार ये भी छोटा सा प्लांट ही है और दो फूल खिल रहे हैं, और इसमें तो बहुत फूल आ रहे हैं, काफ़ी सूख चुके हैं, झड़ चुके हैं, फिर भी बहुत फूल आ रहे हैं, बर्ड्स भी बहुत आ रही हैं, ढेरों बर्ड्स है। और ये ऑरेंज कलर का है, बिल्कुल डार्क ऑरेंज है, तो इस समय फूल खूब खिल रहे हैं। और ये गेंदा भी है इधर, ये डहलिया है, मतलब हर तरफ चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए हैं। तो इनमें रीज़न क्या है कि जो इतने फूल खिल रहे हैं, मैं इनमें बहुत ढेर सारा फर्टिलाइज़र बदल बदल के डालती रहती हूँ। जैसे कभी बनाना पील फर्टिलाइज़र डाल दिया, मेरा हमेशा स्टोर रहता है, मेरे घर वाले कहते भी हैं प्लांट लगाए हैं तो लगाए हैं, वैसे कबाड़ बहुत इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि अब वो उसमें बकेट वगैरह में मैं फर्टिलाइज़र बना बना के रखती हूँ, तो उन लोगों को सबको कबाड़ ही दिखता है। मगर उस कबाड़ का ही ये रिज़ल्ट है कि इतने सुंदर फूल, इतने ढेरों फूल ही फूल आ रहे हैं। और ये ब्लैंकेट फूल है, और ये देखो रोज़ कितने खिल रहे हैं। एक ही ये मैंने प्रूनिंग कर दी थी, तो ये अब इतने खूब फूल खिल रहे हैं, काफ़ी फूल आ रहे हैं। और ये भी देखो, और ये बिल्कुल मेरे ईस्ट साइड पे रखे हुए हैं, तो सामने से बिल्कुल धूप आती है, बहुत तेज़ धूप आती है, और बहुत अच्छे खिल रहे हैं। ये मेरे डैंथस वगैरह भी इस तरह से रखे हैं। और ये रोज़ तो पिंक वाला रोज़ तो बहुत खिल रहा है। और ये देखो इसमें गुलदौदी में भी दोबारा ब्लूमिंग शुरू हो गई है। और ये टिकोमा देखो कितना खिल रहा है, कितनी बिल्कुल भरा हुआ है, कमी नहीं हो रहे हैं फूल, जबकि इतने झड़ जाते हैं फिर भी कम नहीं हो रहे हैं। ये भी पूरी तरह से खिल रहा है खूब। और गुलहड़ पे भी ये 7-8 फूल एक साथ खिले हुए हैं, देख रहे हैं आप, कम से कम 8 फूल है एक साथ। ये भी गुलदाउदी तो इतना अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा कर रही है गुलदाउदी, बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है, और ढेरों फूल खिल रहे हैं, काफ़ी वैरायटी है। मेरी सर्दियों वाली भी चल रही हैं। और ये गेंदे कितने हैं, और ये मेरी बिगुनिया है, ये मैंने छुपा के रख दिया है बिल्कुल आड़ में, बड़े प्लांट की आड़ में। और ये देखो डैंथस, ये इधर से शेड पड़ रही है इसकी, तो वो बहुत अच्छे छन छन के धूप जा रही है, बहुत अच्छे फूल मिल रहे हैं। और ये देखो छोटा सा बेबी है, उस पर गुलाब आ रहे हैं, ये भी डैंथस है। ये सदाबहार है पर्पल कलर का, बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। ये तीन तरह के डैंथस यहाँ रखे हुए हैं। और ये गजानिया भी खूब खिले थे सुबह में, अब शाम के टाइम में वीडियो बना रही हूँ तो ये बंद हो गए हैं। कलांचे वगैरह भी खिल रहे हैं, और ये भी मैं अब निकालने की सोच रही थी मगर फ्लावरिंग फिर शुरू हो गई, तो मैं नहीं निकालूंगी इन्हें स्टॉक को। और इतने फूल खिल रहे हैं बहुत ज़्यादा, सदाबहार वगैरह है। और ये पर्सलेन मेरी बहुत खिल रही है अच्छे से, और पिटूनिया तो खूब ही खिल रही है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखिए गुलदाउदी, इसमें भी बर्ड्स आने लगी हैं,
री ब्लूम होने लगे हैं, फिर से फूल आने लगे हैं। तो आप सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालती हूँ जो इतने अच्छे से, गुलदाउदी चल रही है इतनी गर्मी में, इतनी अच्छे से भरी भरी चल रही है, देख रहे हैं आप कितनी बड़ी हो गई है, करीब 8-8, 10-10 इंच की हो गई है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है और बहुत फूल आ रहे हैं, सारी पे बर्ड्स भी आने लगी हैं और गुलदाउदी डहलिया तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है और इसमें भी फूल फूल आ रहे हैं, और कलांचे वगैरह भी इनकी अब मुझे कटिंग करनी होगी, कटिंग लगाऊंगी तो अच्छे से चले होंगे। और ये देखो बेला भी खूब बर्ड्स आ गई हैं, खूब ढेरों बर्ड्स आ रही हैं, और रात रानी भी ब्लूम पे है, खूब अच्छे से जितनी भी कटिंग कर दी थी उतने में खूब फूल आ रहे हैं। तो इसका फर्टिलाइज़र मैं बताती हूँ, ये है मेरा ये लहसुन के मैंने डाल रखा है, लहसुन बोया था, और ये मैंने सब्जियों के छिलकों का फर्टिलाइज़र है, और ये मेरी सरसों की खली का फर्टिलाइज़र है, देख रहे हैं आप ये। तो महीने में मैं 4 बार फर्टिलाइज़र डालती हूँ, 4 बार बदल के डालती हूँ, और ये गोबर के जो होती नहीं उसका फर्टिलाइज़र बना के रखा है, गोबर खाद को भिगो के, और ये नीम खाद है, नीम खाद को भिगो के स्प्रे वगैरह करती रहती हूँ, और ये बेस्ट डिकम्पोजर है तो इसे भी मैं यूज़ करती हूँ, और ये लहसुन के जो प्लांट थे उखाड़ के मैंने डाल रखे तो उनका भी मैं पेस्टिसाइड के यूज़ पे यूज़ करती हूँ। तो मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ, केमिकल बिल्कुल नहीं यूज़ करती थी। लास्ट ईयर मैंने नहीं, इसी साल मैंने शायद एडेनियम यूज़ में लगाया था, और ये रोज़ देखो इतनी कलियाँ हैं इसमें कि बहुत ढेर सारी, चारों तरफ कलियाँ ही कलियाँ हैं, बहुत फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन सब के लिए इसी तरह से बदल बदल के फर्टिलाइज़र डालिए, खूब रोज़ाना बदलिए, जैसे सप्ताह में एक बार फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो आप बदल बदल के डालिए। फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने प्लांट की ऐसी केयर करते रहो। अभी गर्मियों में अपने प्लांट को गर्मी से कैसे बचाएं इस पर मैं वीडियो लेके आऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो वो भी देखिएगा। और फ्रेंड्स नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।